Hello students, this is Manmeet from English Hub and today we are going to learn a very important topic, order of adjectives. Order of adjectives ko sabse pehle yaad rakhna bahut mushkil hota hai bachcho ke liye, kis order mein aayega. So I'm going to tell you a trick. Yes, today I'm going to tell you a trick aur wo meri trick hai ki aap ye chota sa sashcom word yaad rakhenge. ओके, यू आर गोइंग टू लर्न द वर्ड सैशकॉम. सैशकॉम में आपको एक चीज याद रखनी है कि सबसे पहले आता है ओ सैशकॉम. ओ इज फॉर योर ओपिनियन. देखो बेटा, जब आप ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स की बात करते हो, जब आपको इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि यू ऑलवेज स्टार्ट विद एन ओपिनियन. और आपका ओपिनियन क्या होता है? ओपिनियन मीन्स वॉट यू थिंक अबाउट समथिंग. तो कोई इंसान अगर आपको लगता है सिली है, या कोई ब्यूटीफुल है, या हॉरिबल है, या डिफिकल्ट है, या स्ट्रिक्ट है, फ्रेंडली है, ये सारे आपके ओपिनियन होते हैं. आप उस इंसान या उस चीज़ के बारे में क्या सोचते हो. सो ओपिनियन के बाद आता है हमारा ये छोटा सा वर्ड सैशकॉम, जिसमें सबसे पहले एस फॉर साइज. आप हमेशा देखेंगे कि जब भी आपको ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स का क्वेश्चन मिले तो ओपिनियन के बाद ओपिनियन तो पहला आएगा ही आएगा विदाउट फेल, एंड देन यू आर गोइंग टू सी द साइज. साइज क्या होता है किसी चीज का? हाउ बिग और स्मॉल समथिंग इज. सो द वर्ड्स लाइक लार्ज, टाइनी, एनॉर्मस, लिटिल, ऑल दीज आर साइज. देन कम्स ए. ए फॉर एज. एज मीन्स वेदर द पर्सन इज और द थिंग इज एंशियंट, न्यू, यंग और ओल्ड. थर्ड इज शेप. श मैंने इसमें जानबूझ के डाला है बच्चों, ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो जाए. एस दो बार आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि साइज कौन सा और शेप कौन सा. दैट्स व्हाई आई हैव टेकन एस एच फॉर शेप. सो थर्ड कम्स शेप, एस एच. ओके, शेप, यू नो ऑल द शेप्स यू हैव रेड इन योर मैथ्स बुक. स्क्वेयर, राउंड, फ्लैट, rectangular. Then comes C for your color. Okay, all the colors are adjective. Then comes origin. Origin की अगर मैं बात करती हूँ तो क्या आपको पता है आपका origin क्या है? आप एक इंडिया में रहते हो, तो आपका origin क्या हुआ? You are an Indian. Very good, Geet. Material. Material का मतलब होता है कोई चीज किस चीज से बनी हुई है. For example, आपकी मम्मी चेन पहनती है गले में, वो किस चीज से बनी होती है? गुड, गोल्ड, ओके, प्लैटिनम. आपके घर में फर्नीचर किस से बना होता है? वुडन, वुड, यस. ऑल दीज थिंग्स, यस, यू आर राइट, ऑल दीज थिंग्स आर मटेरियल. मटेरियल के बाद पर्पस ज्यादातर पूछा नहीं जाता है, तो आई हैव नॉट रिटन हियर. ओके, पर्पस बेसिकली नाउन के साथ आता है बेटा. यू ऑलवेज नो कि एंड में तो नाउन ही आएगा सेंटेंस में. तो अगर आपको टिन दिख जाए या बैग दिख जाए तो यू डोंट हैव टू वर्क. तो पर्पस में ज्यादातर स्लीपिंग बैग, स्विंग मशीन, वो एक साथ आते हैं, है ना, वो एक ही वर्ड में होते हैं, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम क्वेश्चंस. और अब मैं चाहती हूँ आप इन क्वेश्चंस को ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स में प्लेस करो. सबसे पहले तो हमें पता है, यहाँ पे लिखा है माय टीचर ओल्ड इंग्लिश स्वीट. तो हमें पता है सेंटेंस हमेशा शुरू तो होगा माय से, तो माय को तो बिल्कुल हम आगे रखेंगे यहाँ. उसके बाद टीचर, टीचर इज अ नाउन, तो नाउन हमेशा लास्ट जाएगा पर्पस के बाद. ओके, इट इज ऑलवेज लास्ट. तो ये दोनों वर्ड्स हमें पता है, माय और ये. अब ओल्ड किस में आएगा? व्हाट इज ओल्ड? एज. यस, एज. इंग्लिश, इंग्लिश किस में आएगा? व्हाट इज इंग्लिश? मैम, ओरिजिन. ओरिजिन, ओरिजिन, एंड व्हाट इज स्वीट? व्हाट इज स्वीट? ओपिनियन. करेक्ट सेंटेंस गाइज, व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस? माय स्वीट ओल्ड इंग्लिश टीचर. माय स्वीट
My sweet old English teacher. Okay. Now the next one. Dog, a fat, friendly Alsatian. Dog, a fat, friendly Alsatian. Determiners hamesha shuru mein aayenge. A friendly, fat Alsatian dog. Anybody else who wants to try? सबसे पहले मुझे बताओ. नहीं ठीक है. You're very quick, बल्कि सबसे पहले मुझे बताओ. A is a determiner, है ना? तो determiner a तो शुरू में first आएगा. First. It'll come first without anything noun, pronoun. Friendly, fat. अब आपके पास second क्या है? What is friendly? Opinion. And what is Alsatian? Origin. This is the origin. So the sentence will be a friendly, because friendly is the opinion first, bacha. A friendly fat Alsatian dog. Yes, a friendly fat Alsatian dog. Very good. So let's write down the second one here. Friendly, jaise mil gaya, hume pata hai ki it is an opinion, okay? Fat Alsatian, it's the breed dog. Now try the third one. R, हमें पता है ये शुरू में आ जाएगा. R तो not a problem. Ma'am, may I? R, Strict, tall, headmaster. Are you clear? What is the order of adjective? Which name? What is the short form? Come on, tell me quickly. Who's going to tell me? Shashkom. Yes. Shashkom. I hope you understood this. Thank you so much for watching this. Bye-bye. Have a nice day. Don't forget to subscribe my channel for new updates. Like and share it.